हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शंस सच एज 1/7, 4/7, 6/7 हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें आर कॉल लाइक फ्रैक्शंस, उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। एंड फ्रैक्शंस सच एज 1/3, 4/8, 9/11 विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। कन्वर्ट 5/6 एंड 7/9 इंटू लाइक फ्रैक्शंस, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, तो सबसे पहले वी मस्ट फाइंड अ कॉमन मल्टीपल फॉर द नंबर्स 6 एंड 9। हमें 6 और 9 का एक कॉमन मल्टीपल हमें निकालना होगा। अब मल्टीपल यानी कि 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, या फिर 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो जितने भी हमें आंसर मिलते जाएंगे वो सभी 6 के मल्टीपल रहेंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखिए 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसके आगे भी आएंगे 42, 48, 54, 60, 66 एक्सेट्रा, ठीक है। 9 के मल्टीपल्स देखिए यहाँ पर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 एक्सेट्रा, ये सब 9 के मल्टीपल्स हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन 6 के मल्टीपल्स में और 9 के मल्टीपल्स में जो कॉमन नंबर है वो पहले देखिए। तो सबसे पहला कॉमन नंबर यहाँ पर क्या है, 18 है, ठीक, तो हम लेंगे 18। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करना है, इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आना चाहिए, तो हम लेंगे 18। अब 18 के साथ क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 6 के टेबल में 18 कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 9 के टेबल में कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब जो भी आंसर आएगा देखिए 5 3 15 और 6 3 18 और यहाँ पर 7 2 14 और 9 2 18 मिल गए हमें, लाइक फ्रैक्शंस में हो गए कन्वर्ट। एक और तरीका है इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, वो देखिए एक सिंपल सी चीज़, हमारे पास ये फ्रैक्शन है 5/6 और 7/9, तो क्या करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई पहले वाले फ्रैक्शन में करेंगे और पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 5 9 45 और 6 9 54 और यहाँ पर 7 6 42 और 9 6 54, देखिए हो गए ये भी लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कन्वर्ट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रॉब्लम सेट 18। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट है 3/4 एंड 5/8, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का टेबल लिखेंगे, यानी कि 4 के मल्टीपल्स और यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स देखिए 4, 8, 12, 16, 20 बहुत है। अब 8 16, 24, 32 और
40। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन नंबर कौन सा है? सबसे पहला कॉमन नंबर देखिए यहाँ पर है 8। ठीक, तो हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर की जगह पर क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी 8 है, यहाँ पर 8 लाना है, तो हम 4 का टेबल देखेंगे। तो 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पे है? दूसरे। तो इसीलिए हम 3/4 में टू का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 और 4 2 8, तो ये हो गया हमारा 6/8। एक फ्रैक्शन हो गया हमारा 6/8 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/8। देखिए हो गया लाइक फ्रैक्शन में चेंज। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, 3/5, 3/7। तो हम सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अब यहाँ पर 7 के लिखते हैं, 7, 14, 21, 28, 35 और 42। अब इन दोनों के मल्टीपल्स में देखिए कॉमन नंबर कौन सा है? तो इनमें सबसे पहला कॉमन नंबर है 35। तो 5 के टेबल में 35 कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, 7वें। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 21 और 5 7 35। ये एक हमें मिल गया। अब दूसरा फ्रैक्शन देखिए, 3/7। अब 7 के टेबल में कितने नंबर पे 35? 5वें। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 3 5 15 और ये 7 5 35। देखिए अब ये दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, 4/5 and 3/8। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सेम मेथड है हमारी। 5 के मल्टीपल्स लिखिए और यहाँ पर 10 के लिखिए, 5 10 15 20 और यहाँ पर 10 के, 10 20 30 40। दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन नंबर कौन सा है? 10। तो इस सेकेंड वाले फ्रैक्शन में 10 तो है ऑलरेडी, हमें केवल यहाँ पर 10 लाना है। तो क्या करेंगे हम, 4/5 ले लिया। अब देखिए 5 के टेबल में 10 जो है वो कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। सो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, 4 2 8/5 2 10। तो ये मिल गया हमें दूसरा फ्रैक्शन। देखिए ये पहला वाला और ये दूसरा हो गए दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। ठीक, अब फोर्थ देखिए, 2/9 and 1/6। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे और यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 9 18 27 36 45। और यहाँ पर 6 के 6 12 18 24 30। देखिए इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 18। तो हमें इन दोनों की जगह पर क्या लाना है? 18 लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फ्रैक्शन लिख लीजिए, 2/9। अब 9 के टेबल में 18 दूसरे नंबर पर है, तो इस फ्रैक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फ्रैक्शन है 1/6। तो यहाँ पर 6 के टेबल में 18 थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इनका आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा, 2 2 4 और 9 2 18 और यहाँ पर 3 1 3 और 6 3 18। देखिए दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए। अब इसी तरह से आगे के भी हम करेंगे। नंबर 5 देखिए, 1/4 and 2/3। इसमें भी वैसे ही करिए, 4 के मल्टीपल्स लिखिए और 3 के लिखिए, 4 8 12 16, 3 के 3
सिक्स नाइन ट्वेल्व। देखिए दोनों में कॉमन नंबर ये है, मतलब हम पहले वाले फ्रैक्शन में तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थ्री वन ज़ा थ्री और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, और दूसरे वाले फ्रैक्शन में हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि थ्री न की टेबल में ट्वेल्व जो है वो चौथे नंबर पे, इसलिए फोर से। तो फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए। इसी तरह से आप आगे के भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।